Today I'm going to teach you IELTS writing task 2. First of all, look at the statement. Some people think that nowadays children have too much freedom. Do you agree or disagree? मतलब किया statement की कह रही है अपनों भी जिहड़े अजकल बच्चे उन्होंने बहुत ज़्यादा freedom आ तुसी agree करते हैं इस statement ना भी उन्होंने बहुत ज़्यादा freedom हैगी है या disagree करते हैं जो तो age type आती है agree और disagree वाली ये और पाया इसलिए आप एक साइड जाना होता है जिहड़ी वाली साइड तुम जाना मीनस जिहदे पॉइंट साढ़े को ज़्यादा आ तुम वो दो बीपीज बनाने तो इंट्रो कंकलूजन टोटल ये चार पैराग्राफ्स होंगे आ इंट्रो कंकलूजन एज इट इज जिहड़ी साइड तुम है जो तुहाडे कोल एग्री दे पॉइंट्स आ टू बीपी एग्रीज दे अदरवाइज डिसएग्री दे फर्स्ट ऑफ ऑल की करना होंगे स्टेटमेंट नूं रीफ्रेज करना होंगे स्टेटमेंट नूं रीफ्रेज करन दा मतलब की आ भी जो भी स्टेटमेंट दी है उहनूं आपां अपनी वर्डिंग च लिखना बट सिमिलर मीनिंग होवे जो भी स्टेटमेंट आ तो थीसिस देना थीसिस का मतलब जो टाइप देती है वो अकॉर्डिंग डू यू एग्री और डिसएग्री है तुम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं अपना दसना व्यू पॉइंट ये उन्होंने थीसिस कहते हैं हुण आपां स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इट इज़ इरिफ्यूटेबल फैक्ट इन दिस हाई पेस्ड अपोच इट हैज़ बिकम कैटास्ट्रोफिक इशू अमंग सैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स वैदर जुवेनाइल्स हैव अबंडेंस ऑफ लिबर्टी और नॉट रैदर दैन एंशियंट पीरियड अपनी लाइन इतों स्टार्ट होकर इतने खत्म होंगी है यद मीनिंग की आ भी रिफ्यूटेबल फैक्ट इरिफ्यूटेबल फैक्ट का मतलब होंगे भी ट्रू फैक्ट आ कि अजक टाइम के हाई पेस्ड अपोच हों नाउ डेज इट हैज़ बिकम कैटास्ट्रोफिक इशू कैटास्ट्रोफिक इशू मतलब डिबेटेबल इशू अमंग सैक्शन ऑफ इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों के जेडे जुवेनाइल्स उन्होंने को ज़्यादा लिबर्टी है लिबर्टी मतलब फ्रीडम हैगी और नॉट कि नहीं हैगी आप कनैक्टेड यूज़ करता वैदर तो और वाला रैदर दैन एंशियंट पीरियड के कंपेरिजन बजाय रैदर दैन भी आप यूज़ करता फिर आप लगाया सैमी कॉलन जिते आप फुल स्टॉप लगाने उत्थे आप सैमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं बट तुहाडे ऐसे जस्ट एक बारी ही होना चाहिए वा इतों तक अपनी रीफ्रेज होगी हूँ आप अपना थीसिस देना देयर फोर फिर कॉमा आई फर्मली फर्मली मतलब टोटली अकॉर्ड द मतलब एग्री दिस रेंडर्ड अजर्शन मतलब गिवन अजर्शन गिवन स्टेटमेंट बाय डिंट ऑफ मेनली टू कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर मेनली दो रीजनस दे करके जिते आप ड्यू टू लगाने उत्थे आप बाय डिंट ऑफ लगा सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर का मीनिंग होंगे रीजनस तो आप अपनी इंट्रोडक्शन के भी अपने रीजनस दस सकते हैं भी क्यों तुम एग्री करते हैं स्टेटमेंट के न बट ये होंगे कि जो आप अपनी इंट्रो अपने रीजनस दसते हैं मेन रीजन वो इफेक्ट जोड़ा वा वह बहुत बेस्ट आता वा एग्जामीनर तो जो आप इलैबोरेट करना बी बी वन तो टू के आप सिनोनियम फॉर्म से लिखना वा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इतने तक क्लीयर हो जाएगा किमें आप मैनशन कर सकते हैं फर्स्टली बींग अ वर्कहॉलिक ऑफ पेरेंट्स एंड सैकेंडली लैस रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोजेंसी मतलब आप अपने रीजन भी देते मैं एग्री क्यों करता वा पहला रीजन की पेरेंट्स वर्कहॉलिक हो गया सैकेंडली की है रिस्ट्रिक्शन जिड़ियाँ घट चुकी वा ऑन प्रोजेंसी प्रोजेंसी हूँ वा बच्चे चिल्ड्रन उन्होंने आप जुवेनाइल भी कह सकते हैं प्रोजेंसी भी कह सकते हैं इस इंट्रो आप देखा अपन रीफ्रेज किया अपन प्रॉपर वे तो आप सिनोनियम पता लगे कैटास्ट्रोफिक इशू हूँ डिबेटेबल इशू लिबर्टी हूँ फ्रीडम बाय डिंट ऑफ द मीनिंग हूँ वा ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स होंगे रीजनस रेंडर्ड द मतलब गिवन एजर्शन मीनस स्टेटमेंट हूँ आप बी पी वन वाल मूव करा तो अपनी क्लीयर होगा कि आप एग्री वाली साइड आ बी पी वन की स्टार्टिंग के लिए मैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म यूज की आप इतू इंट्रो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म स्टार्ट किया इज इट राइट एक ये सही है दैट चिल्ड्रन पोजेस मोर फ्रीडम इंस्टेड ऑफ पास कि जो बच्चे वो ज़्यादा फ्रीडम रखते हैं पास्ट की बजाय इंस्टेड ऑफ एंड रैदर दैन दोनों का मीनिंग सिमिलर हों पोजेस का मतलब हैव आप एग्री वाली साइड है इसलिए मैं ये क्वेश्चन किया जे तुम मान लो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो डिसएग्री भी आ बट तुम यदा आंसर अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही देना पेगा जिमें मैं एग्री वाली साइड हाँ भी हाँ उन्होंने ज़्यादा फ्रीडम आ इसलिए मैं येस आंसर दिता जो तुम नहीं एग्री वाली साइड आ तो सू आंसर नो देना पेगा इतने जो तुम इस तरह अपनी क्वेश्चन फॉर्म में क्रिएट करते हैं बी पी वन की स्टार्टिंग दे बिकॉज आप आंसर भी देता हाँ भी सही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम अजक बिकॉज क्यों आ देर आर सैवरल पॉजिटिव फैक्ट्स बिहाइंड दिस ट्रेंड इस ट्रेंड के पिछे बहुत सारे पॉजिटिव फैक्ट्स आ पॉजिटिव फैक्ट्स का मतलब रीजनस आ द टॉप नोच वन इज द टॉप नोच वन का मतलब हूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोथ फादर एंड मदर हैज़ बिकम वर्किंग बाय वर्चू ऑफ दिस सुपरविजन विच वॉज पेड बाय गार्डियंस ऑन द ऑफस्प्रिंग हैज़ प्लमेटेड आप कहता उत्थे आप लिखा सी पेरेंट्स वर्कहॉलिक हो चुके इंट्रोडक्शन से इतने आप लिखता चेंज करके बोथ फादर ते मदर जड़े वो वर्किंग बन चुके हैं बाय वर्चू ऑफ दिस बाय वर्चू ऑफ द मतलब हूँ वा ड्यू टू दिस
सुपरविजन जी सुपरविजन है विच वॉज पेड बाय गार्डियन जी कि गार्डियंस गार्डियंस पेरेंट्स द्वारा दी जाती सी पास्ट विच पेरेंट्स ऑन देयर ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग्स द बच्चे चिल्ड्रन हैज प्लमेटेड वो घट चुकी है रिड्यूस नूं आपां लिख सकते हैं प्लमेटेड इनू आपां की कीता वा इस सेंटेंस नूं आपां कंपलैक्स बनाता जिदे विच आपां एक्सट्रा इनफॉर्मेशन विच लगा के जिहड़ी आ ऐड कीती आ ते ऑफ स्प्रिंग वर्ड हुंदा वा चिल्ड्रन ए उत्थे यूज हुंदा वा चिल्ड्रन दी जगह जिथे पेरेंट्स दी वी नाल गल होवे प्लमेट मीनस रिड्यूस फॉर इंस्टेंस मीनस फॉर एग्जाम्पल द सर्वे हैज़ बीन कंक्लूडेड बाई कैनेडा रिजाइन रीसेंटली दैट 70% डिपेंडेंट स्टे अलोन एट देयर होम इन डे टाइम मीनस जो आप कहता एग्जाम्पल के जो एक सर्वे किया गया वा कैनेडा के द्वारा जितों ये पता लग्या वा जे 70% डिपेंडेंट्स आ डिपेंडेंट्स मतलब चिल्ड्रन आ वो कल रेंदे अपने घर में डे टाइम एग्जाम्पल का मतलब यही होंगे कि आप रियलिटी दसीए ये आप एग्जाम्पल वो देनी होंगी जिड़ी कि एक रियलिटी तरह लगे तो अपने जोड़ा एक्सप्लेनेशन है अपना पॉइंट है वो मैच करे वो रैलेवेंट हो दस मतलब एज अ रिजल्ट जिथे आप लिखते दस लिख सकते हैं दे आर डिटोरिएटिंग टू सर्टेन एक्सटेंट जिदे करके कि बच्चे कल रेंगे तो अपने आप वो विगड़ रहे हैं कुछ हद तक बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ पेरेंट्स प्रजेंस एट होम पेरेंट्स की जी प्रजेंस की कमी करके वो कि विगड़ रहे हैं इतने अपोस्ट्रॉफी असल करती जिथे आप ऑफ लाने पेरेंट्स की प्रजेंस करके दिया कमी करके उत्थे आप अपोस्ट्रॉफी असल गा सकते हैं ऑफ की जगह जिथे आप ऑफ लगाने मतलब जो आप कहना हमें इस चीज़ की कमी करके ये चीज़ हो रही है मतलब जिथे ऑफ वर्ड यूज करते हैं उत्थे आप अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब यह हुंदा वा जिवें इत्थे प्लूरल एस वा ऑलरेडी पेरेंट्स के नाल ऐसा उत्थे आप नहीं लगावेंगे जस्ट आप अपोस्ट्रॉफी कॉमा ही लगावेंगे तो जिथे नहीं हैगी एस मतलब मैं तुहानू कोई डिफरेंट टॉपिक सॉरी डिफरेंट वीडियो विच ये क्लीयर कर दूंगी अपोस्ट्रॉफी एस की हुंदी आ ते कित्थे कैवें यूज करनी है बस तुसी हुण यही देख सकते हैं कि जिथे आप ऑफ लगाने उत्थे आप अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं अपना पहला रीजन की सी जो पेरेंट्स ऑफ वर्कहोलिक हो चुके हैं फादर मदर जिदे करके बच्चों के सुपरविजन घट चुकी है तो फिर आप एग्जाम्पल देती है वे सर्वे कंक्लूड किया गया कैनेडा के 70% बच्चे है वह घर में कल रेंगे डेट एंड जिद करके कुछ हद तक विगड़ रहे हैं अपना पहला रीजन है भी हाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम है सैकेंड रीजन की है बिसाइड इस सैकेंड आप यूज किया बिसाइड इस रिडक्शन ऑफ प्रोहबिशन भी जी प्रोहबिशन मतलब रिस्ट्रिक्शन जी लैस रिस्ट्रिक्शन आ उत्थे लैस रिस्ट्रिक्शन लिखिया से उन्होंने फॉर्म चेंज करता सन जो रिडक्शन ऑफ प्रोहबिशन जिंदा मीनिंग सिमिलर ही है इन दिस करंट सनैरियो इस अजकल टाइम नाउ डेज नो इन दिस करंट सनैरियो कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स टू बी मच एग्जैम्पशन फॉर यंगस्टर्स एज वैल एट्रीब्यूट्स मतलब रिसपोंसीबल आ टू बी मच एग्जैम्पशन बहुत ज़्यादा छूट जिन्होंने कहने बच्चे बहुत ज़्यादा छूट देने दे लिए यह चीज़ भी जिम्मेवार आ जी लैस रिस्ट्रिक्शन आना अजकल फॉर यंगस्टर्स एज वैल अनडाउटली कोई शक नहीं गा इन दिस आप कहते भी ये कोई शक नहीं है इन द प्रीवियस टाइम स्पैनिंग भी जो पुराने टाइम के इट वॉज अज्यूम्ड बाई मजोरिटी ऑफ सिविलियन टू रिस्ट्रिक्ट देयर चिल्ड्रन एट फोर वॉल्स ऑफ द हाउस मतलब आप कहता दूसरा रीजन अपना की है जो रिस्ट्रिक्शन घट चुकी वा बच्चों के उ जे आप प्रीवियस टाइम की गल करिए बहुत सारे लोगों द्वारा मनिया जाता सिविलियन होंगे इंडिविजुअल्स मीनस पीपल भी रिस्ट्रिक्ट करना अपने बच्चों फोर वॉल्स ऑफ द होम घर के चार दीवारी के स्पैशली इन केस ऑफ गर्ल्स गर्ल्स के केस में कि उन्होंने बहुत घर में रखते सी जिदे करके उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होंदिया सीगिया तो उन्होंने फ्रीडम नहीं सी पर आप एग्री किया वह स्टेटमेंट भी हाँ अच्कल के बच्चों बहुत जी फ्रीडम मिल चुकी है यदा रीज़न की है भी जी रिस्ट्रिक्शन घट चुकी वा स्पैशली जोड़े पास्ट में लोग सके वह बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते गर्ल्स से हाउ बीट का मतलब होंगे हाउ एवर नाओ डेज द फिनोमिना जोड़ा फिनोमिना हैज़ एल्टर्ड मतलब चेंज हो चुकिया वा ऑन ऑइंग टू जिदे करके ऑफ स्प्रिंग्स आइदर गर्ल भावें गर्ल आ या बॉय आ इज फरनिशिंग रिलैक्सेशन जिन्होंने की है रिलैक्सेशन दी जा रही है फरनिशिंग मतलब होंगे वा गिव रिलैक्सेशन का मतलब एग्जैम्पशन मतलब छूट दी जा रही है टू परज्यू नॉट ओनली परज्यू मतलब करन दे लई नॉट ओनली फर्दर एडिफिकेशन कोई अपनी एडिफिकेशन ही नहीं पूरा करनी एडिफिकेशन तो एजुकेशन बट ऑलसो मेनटेनिंग बिजनेस बाय गोइंग अलोन इन अब्रॉड जिद मतलब मेन कारण की आप दसता भी एग्जैम्पशन घट चुकी है एग्जैम्पशन सॉरी रिस्ट्रिक्शन घट चुकी वा बच्चों के जिदे करके की आ
ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ ਹਾਊ ਬੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਬੀਟ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊ ਐਵਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫਨੋਮੀਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਐਲਟਰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਓਨ ਓਇੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਬੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਜ਼ੂ ਕਰਨੀ, ਪਰਜ਼ੂ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦੇ ਫਰਦਰ ਐਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਗੋਇੰਗ ਅਬਰੋਡ ਇਨ ਬਾਏ ਗੋਇੰਗ ਅਲੋਨ ਇਨ ਅਬਰੋਡ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟਨਲੀ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਨਸ਼ਨਡ, ਰਿਜ਼ਲਟਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਜ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਨਲੀ ਲਗਾਤਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਆ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਡ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਮਤਲਬ ਫਰੀਡਮ, ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਡ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਟ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਸੈਲਫ ਰੈਲੀਅੰਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰੈਲੀਅੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਸੈਲਫ ਰੈਲੀਅੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਪ ਸੋਰੀ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੈਬ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਮੈਟੀਕਲ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੂਟ ਦੇਣਾ। ਕਨੈਕਟਰਸ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਆ, ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਜਾਂ ਇਨ ਅ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਨੈਕਟਰ ਇਨ ਅ ਨਟਸ਼ੈਲ, ਇਨ ਅ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ। ਈਵਨ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਆਲ ਦੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਈਵਨ ਦੋ ਦੇਅ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੈੱਸ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਇਨ ਓਲਡ ਏਜ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਛੂਟ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ, ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਮਤਲਬ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ, ਡਿਊ ਟੂ ਪਾਸਟ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਾਸਟ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਛੂਟ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਿਅਤਾਵਾਂ ਸੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੂਟ ਸੀਗੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਕਰੰਟਲੀ ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਿਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੌਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸਕ ਟੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੌਮਾ ਲਗਾਤਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ। ਕਰੰਟਲੀ ਕੀ ਆ, ਦਿਸ ਵੋਗ, ਵੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਂਡ, ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ, ਇਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਮੀਓਲੋਰੇਟਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਮੀਓਲੋਰੇਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਟੂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਥਰੂ ਕਮੈਂਟਸ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ। ਥੈਂਕਸ।